आरोही के झूठ बोलने से अब तंग आ चुकी है अक्षरा। अक्षरा को इस बात का काफी पछतावा हो रहा है कि उसने आरोही को अभिमन्यु की जिंदगी में आने का मौका दिया, क्योंकि अपने रिश्ते की शुरुआत आरोही सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर कर रही है। यहाँ तक कि अभिमन्यु तो आरोही से प्यार भी नहीं करता, वो तो सिर्फ आरोही की जिद की वजह से अक्षरा ने अभिमन्यु और आरोही की शादी करवाने की ठानी है। लेकिन अब बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास करते हुए आरोही को एक्सपोज करेगी अक्षरा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक होगा बहुत ज़बरदस्त, जहां अक्षरा के चेहरे की मायूसी नज़र तो किसी को नहीं आ रही है, लेकिन अब ये मायूसी मंडप पर काल बनकर बरसेगी। कायरव के अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि अक्षरा आरोही और अभिमन्यु की शादी से खुश नहीं है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि अभिमन्यु को भी पता चल जाएगा कि मेडिकल कैंप वाले दिन आरोही ने नहीं बल्कि अक्षरा ने उसकी जान बचाई थी। इसी वजह से अब अभिमन्यु ने ठान लिया है कि वो आरोही से तो शादी करने से रहा। सनसेट पॉइंट पर बुलाया है अभिमन्यु ने आरोही को, और इसी सनसेट पॉइंट के पास वाले मंदिर में अब ये दोनों शादी करने वाले हैं। जी हाँ, अक्षरा और अभिमन्यु मंदिर में शादी करके बिरला हाउस आएंगे और मंडप सजा होगा जहाँ पर आरोही दुल्हन के रूप में बैठी होगी, और जब वो अपनी आंखों से अक्षरा और अभिमन्यु को देखेगी शादी के लिबास में तो वो आरोही पूरी तरह टूट जाएगी। वो अक्षरा को खूब खरी खोटी सुनाएगी, और जब बात हाथ से निकलती नजर आएगी तो अक्षरा जड़ेगी आरोही को एक ज़ोरदार थप्पड़। अक्षरा आरोही से कहेगी कि धोखा मैंने नहीं, धोखा तूने दिया है, तूने अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ के साथ करनी चाहिए और उसका यही अंजाम हुआ। वेल, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी।